Hi guys, so this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. तो गाइस जैसे पता है आपको हर संडे रात 10 बजे आपको एक मोटिवेशनल वीडियो मिलता है इस चैनल के ऊपर. बहुत सारे मैं वीडियोस बना चुका हूँ मोटिवेशनल. तो आज का स्टोरी एक बंदे का है जो एक कॉलेज में जॉब करता है या स्कूल में या फिर किसी कोचिंग में या फिर किसी कंपनी में कोई बंदा जो जॉब करता है. आज उसका बहुत खुशी के दिन है बिकॉज आज उसको इंक्रीमेंट जो मिला है उसके सैलरी का जस्ट 30%. मतलब अगर उसका 10,000 सैलरी था तो उसका सैलरी हो गया 13,000. अगर 1,00,000 सैलरी था तो उसका सैलरी हो गया 1,30,000. ये सुनने में अच्छा लगता है, 1,30,000 ही पकड़ते हैं. अब बंदा क्या करता है, घर में जाता है, खुशी मनाता है और उसी खुशी खुशी में एक साल बीत जाता है. डेफिनेटली वो कंपनी में मेहनत करता है. अब नेक्स्ट वही दिन आता है जो कल होने वाला है. आज वो घर में बोलता है कि मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है. घर वालों का एक्सपेक्टेशन, खुद का एक्सपेक्टेशन, आस पड़ोस का एक्सपेक्टेशन काफी बड़ा रहता है कि हाँ इस बार भी इसको कम से कम 30,000 का इंक्रीमेंट तो लगेगा ही लगेगा. बंदा मेहनती है, बंदा खुशी खुशी जाता है अपने जहां काम करता है और वहां लिस्ट देखता है, उसका इंक्रीमेंट लगता है सिर्फ 3,000 रुपया, ओनली 3,000. बंदे को सदमे लगता है उस टाइम, ये क्या हो गया. लेकिन बंदा थोड़ा अच्छा रहता है दिल का, वो इतना टेंशन नहीं लेता है. लेकिन फिर भी अंदर अंदर घुटन महसूस करता है. घर जाता है, घर वाले पूछते हैं, वाइफ पूछती है, पड़ोस पूछते हैं कितना इंक्रीमेंट लगा, बिकॉज काफी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं तो पूछते हैं इंक्रीमेंट लगा तो आपका कितना लगा, क्या बताएं आप. सबके सामने उसको मुंह बंद रखना पड़ता है. दो चार दिन पढ़ाता है, उसके बाद और एक बंदे के पास जाता है जो उसी इंस्टीट्यूट में काम करता है. लेकिन वो इतना टेंशन नहीं लेता है कभी भी, क्योंकि उसको कुछ और करना होता है और कुछ करना था उसको, राइट. उसे जाके सलाह लेता है, इस प्रोसेस को समझना जो बता रहा हूं, कहानी सुन के भूल मत जाना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं सबके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं. इंक्रीमेंट कभी ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं आपको. और ये रियल स्टोरी है, कोई बना बनाया नहीं है. तो बंदा जाता है, उसके बाद पूछता है और एक अपने दोस्त थे जो उसी जगह पर काम करता है कि क्या करूं. तो बंदा पता है क्या एडवाइस देता है उस बंदे को, आप अपना काम अच्छे से करते रहो. मतलब यहां पर जो हमारे लॉर्ड कृष्णा ने बोले थे वही बोलता है, लेकिन तरीके से अलग तरीके से बोलता है. करते रहो, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा. क्या बोलते हैं उन्हें कि काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, वही वाली बात. अपना मेहनत करते रहे, उसी इंस्टीट्यूट में रहे, उसी कंपनी में रहे, उसी कॉलेज में रहे, उसी स्कूल में रहे. लेकिन जस्ट आफ्टर 6 months क्या हुआ, दूसरा बंदा कोई आया उनके घर में, उन जो जहां रहते हैं वहां पर, और उनको जो उनका एक्सपेक्टेशन था सैलरी का इंक्रीमेंट होने के बाद, उससे ज्यादा सैलरी ऑफर किया कि आप हमारे यहां पर आइए और आप जॉब करिए, यहां पर आपको हम इतना सैलरी देंगे. और जो बंदा वो चाहता था वही हुआ. क्यों हुआ, ये प्रोसेस को समझो. जहां वो काम करता है, कर्म करता है, इंक्रीमेंट लगता नहीं बंदे का, वो वहां पर काम करता रहा, एफर्ट डालता रहा. इससे क्या हुआ, उसका जो इमेज है खराब नहीं हुआ. मेहनत करता रहा मतलब कुछ सीखता रहा, उसका कंटिन्यूटी बना रहा. और देखो उसके पास ऑफर आया और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसने और वहां पर जाके अच्छे से सेटल हो गया. इससे हमें क्या सीखने को मिला, जब भी हमें लाइफ में डाउनफॉल होता है हमें किसी से अच्छे जगह से एडवाइस लेना चाहिए, हमें काम करते रहना चाहिए. और फिर लास्ट में क्या होगा, जो हमें चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा. सो गाइज होपफुली यू लाइक द वीडियो, यू लाइक दिस स्टोरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट लेसन. बाय बाय, स्टे हैप्पी.